कैसे स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। सो आज यहाँ पे फ्राइडे है और आज हम लोगों ने प्लानिंग किया हुआ है लंदन जाने के लिए। ट्रिप रखा है छोटा सा, मैं और मम्मी पापा रक्षा नहीं आ रही है। वो देखो मेरे मम्मी और पापा दोनों रेडी हो चुके हैं लंदन जाने के लिए। ये लोग तो रेडी है, अब लग रहा है कि लंदन के एनवायरमेंट में वो लोग जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली रक्षा नहीं आ रही है इस बार। मैंने तुम्हारा वेट 10 साल किया, तुमने 1 साल भी नहीं 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 वेट किया इसीलिए। तो फाइनली अभी हम लोग बस रेडी हो चुके हैं और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे रक्षा के सिस्टर के घर पे। फिर मेरे अभी पुल जी है, वो लोग हमें स्टेशन पे ड्रॉप करेंगे। फिर हमारी बस है 8:45 की बस है और फिर वहाँ से हम लोग सीधा चले जाएंगे लंदन पे। तो तब तक सब आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो लेस्टर में बस स्टेशन है वहाँ पे अभी आ चुके हैं और ये यहाँ का बस स्टेशन है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे नया बना है और ये नेशनल एक्सप्रेस का यहाँ पे है। यहाँ के आसपास सब नेशनल एक्सप्रेस की यहाँ पे बस आती है और वो साइड पे तुम है तो वहाँ पे लोकल बस आती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब लोकल बस है। और यहाँ पे देखो एक नेशनल एक्सप्रेस ये बस है और शायद आप देख सकते हो ये गैटविक एयरपोर्ट की बस है। यहाँ से सीधा गैटविक एयरपोर्ट जाता है, वो बहुत अच्छा है। वो शायद अभी अभी निकलेगी और हमारी बस है वो शायद यहीं पे आने वाली है कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे या यहाँ पे मैंने पूछा तो वो लोग ने बताया शायद यहीं पे आएगी। ये हमारी बस आ चुकी है नेशनल एक्सप्रेस की लंदन, ये नंबर है उसका 440, सीधा विक्टोरिया स्टेशन जो लंदन का मेन स्टेशन है वहीं पर जाएगी। तो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं इस बस में। तो अभी हम लोग विक्टोरिया स्टेशन से निकल कर एक दो स्टेशन क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे जो लंदन आए देखो सामने दिख रहा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और हमारे पास अभी भी 10 मिनट का टाइम है, मेरा 1 बजे का टाइमिंग है लंदन आई में जो बुक किया हुआ था, तो हमें वहाँ पे जाना है। अभी हम लोग यहाँ पे लंदन आई पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कुछ समर की वजह से कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि हमें भी टाइम 1 बजे का था और अभी 10 बज चुकी है और हम लोग यहाँ पे जस्ट ये देखिए ये भीड़। हमें थोड़ा सा जल्दी आना था तो थोड़ा सा जल्दी नंबर आ सकता था, लेकिन अभी हम लोग क्यू में खड़े और ये है लंदन आई। सो कुछ फास्ट ट्रैक वाले भी है जो जिन्होंने एक्स्ट्रा पे किया हो उनके लिए भी अलग से क्यू है, तो वो शायद जल्दी जाएंगे। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है क्योंकि सनी वेदर है नहीं, तो धूप इतना लग नहीं रहा और टेम्परेचर 19-20 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और समर की वजह से पब्लिक यहाँ पे काफ़ी रहती है यहाँ। फाइनली हम लोग 15-20 मिनट के बाद यहाँ लंदन आई पे ऊपर अभी जस्ट एंटर हो चुके हैं और यहाँ से ये लोकेशन है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है, ये रिवर थेम्स है यहाँ पे। ये पूरा एक राउंड लगाने के लिए नियरली 30 या 45 मिनट जितना टाइम लगता है, मैक्सिमम 30 मिनट जितना टाइम लगता है यहाँ पे, तो एक पूरा राउंड लगाएगा। तो लेट्स देखो यहाँ पे पब्लिक भी देखो आज तो बहुत ज़्यादा कुछ पब्लिक है, सब स्कूल की पब्लिक भी आई हुई है, देखो सब स्कूल की पब्लिक है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे लंदन में सबसे टॉप प्लेस पे आ चुके हैं। देखो यहाँ हमारे ऊपर एक ही है, देख मतलब हम लोग तो पूरे टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से
ऑलमोस्ट आधा लंदन, पूरा लंदन तो नहीं दिखेगा, आधा लंदन यहाँ से दिख जाता है। जो मेन मेन चीज़ है ये रिवर थेम्स है, और यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन भी एक यहाँ से जाता है, ट्रेन स्टेशन ये वहाँ पे अंदर है। सो ये इतनी सारी जगह है, इसमें से मुझे कुछ पता भी नहीं है कौन सी जगह यहाँ पे है, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ पे भी और एक ट्रेन स्टेशन है। और वो एक है, ये पार्लियामेंट है ऐसा मुझे लग रहा है, ये जो है ना ये पार्लियामेंट है, ये स्टेशन के बाजू में ये बिल्डिंग है। हम लोग वहाँ से आए, हम लोग वहाँ स्टेशन से निकले चलकर यहाँ आए। ये देखो ये ब्रिज, ये आई थिंक सो पार्लियामेंट है। सो ये यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे भी लंदन दिख रहा है आधा। अभी हम लोग यहाँ पे लंदन आए थे फिनिश करके, उसके बाजू में एक गार्डन है, वहाँ पर बैठे हैं, खाना वाना हम सब कुछ घर पर लेकर आए थे। तो यहाँ पे देखो ये लंदन आए, ये रहा, और उसके बाजू में ही गार्डन है। तो हम लोग यहाँ पे घर से खाना लेकर आए थे, गुजराती थेपला और सब्जी, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि अगर तुम लोग कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो अच्छा सा खाना मतलब हमें पसंद नहीं आता, और मम्मी पापा का स्पेशली पसंद नहीं आता, तो हम लोग घर से ही प्लानिंग करके आए हुए थे। तो बस अभी हम लोग देखो ये सर्व कर रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे हमारा गुजराती खाना लंदन आई के बाजू में, लंदन के गार्डन में। हम लोग यहाँ पे मैडम तुसाड़ पे आ चुके हैं, हम लोग लंदन ऐसे सीधा निकल के, हमारा 3 बजे का टाइम था, और वैसे भी हम लोग 3 बजे 3:10 होने आई वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अभी बस एंट्री आज पब्लिक, आज भी देखो यहाँ पे भी इतना ही भीड़ है, हम लोग पिछले 10 मिनट से यहाँ पे क्यू में खड़े हुए हैं मैडम तुसाड़ के एंट्री के लिए। सो लेट्स गो, यहाँ पे भी सब लोग बोल रहे काफ़ी अच्छा है, और अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, तो यहाँ पे एक विजुलाइजेशन इफेक्ट करके ये लोग ने बनाया हुआ है कि ये लंदन आई है, और ये यहाँ वहाँ पे लंदन ब्रिज बताया हुआ है प्री स्क्रीन पे, कि कैसे वेदर में कैसा दिखता है, वो पूरा अच्छा सा दिखाया हुआ है।
ये सीप था ना, ये सीप आ रही है, ये सीप आई इसलिए फ्रिज ऊपर हुआ था। तो अभी वो फ्रिज को भी सेल ऑफिस बंद कर देगा। मैडम कुशाड़ पे विजिट किया, बहुत अच्छा है। वहाँ पे 1.5 घंटे जैसा था पूरा घूमने के लिए अंदर से। तो वहाँ से घूम कर हम लोग फिर और एक ट्यूब लेके, मतलब ट्रेन लेकर फिर हम लंदन ब्रिज के पास पहुँचे। एक्चुअली लंदन ब्रिज का नाम वो है, वो दिख रहा है आपको, वो लंदन ब्रिज बोलते हैं। और फिर जहाँ से हम लोग ये वॉक पे चलते हुए यहाँ से जाएगी अभी लंदन ब्रिज, जो इसको टावर ब्रिज बोलते हैं, इसके पीछे। सो ये एक शिप आके खड़ा हुआ था टावर ब्रिज के पास, यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। और काफ़ी अच्छा वेदर है, इतना गर्मी नहीं है, ठंड नहीं है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। हमें थोड़ा सा जैसे वहाँ पे लंदन ब्रिज पे पहुँचे तो हमें थोड़ा सा ओपन देखने को भी मिला था, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ से। अभी हम लोग लंदन ब्रिज पर चल के आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और यहाँ पे अच्छा है, लंदन ब्रिज के पास बहुत अच्छा वेदर है और थोड़ा सा बैठने की जगह है। और हम लोग अभी जैसे थोड़ी देर यहाँ पर बैठे और देखो ये है लंदन ब्रिज का नज़ारा, बहुत अच्छा सा वेदर है। सो अभी ब्रिज वापस जैसा था पहले वैसे कंटिन्यू स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे ओपन हुआ था तब। सो ये लंदन ब्रिज का माहौल समर की वजह से यहाँ पे भी पब्लिक है। अच्छा है कि आज फ्राइडे है, हम लोग फ्राइडे के दिन आए, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है। और मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी अच्छे फ़ोटो वगैरह खिंचवाए। क्योंकि अभी ट्यूब स्टेशन पर चले जाओ तो ज़्यादा चलना ही पड़ रहा है, तो हम लोग भी काफ़ी सुबह से चलते हुए क्यू में खड़े रहे। और क्यू में खड़े रहने के बाद फिर हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं और थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे। और हमें हमारे पास काफ़ी डेकिंग हम पैलेस पे आ चुके हैं। और अभी शाम के 6:30-7 बजने को आए हैं और अभी यहाँ पे पैलेस पे वैसे भी एंट्री नहीं है, थी नहीं, था एंट्री लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्री था, लेकिन आई थिंक सो आफ्टरनून के बाद ये बंद हो चुका था। तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे आए क्योंकि हमारा स्टेशन यहाँ से नज़दीक भी पड़ता है। तो ये देखिए बकिंघम पैलेस, अभी किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है। और ये बकिंघम पैलेस है जो यहाँ पे क्वीन रहती, क्वीन तो है नहीं अभी, अभी मतलब जो किंग है वो रहता है, ये उसका एंट्रेंस का गेट है। ये देखिए और यहाँ पे किंग और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे अंदर है। और ये सब सिक्योरिटी गार्ड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब सिक्योरिटी गार्ड, ये देखिए आई थिंक सो 24 आवर वो लोग यहाँ पर रहते होंगे। अंदर की साइड पे यहाँ पे अभी पुलिस वगैरह भी सब होते हैं। ये मेरे पीछे वेकिंग प्लेस है और अच्छा वेदर, अभी 7 बज चुके हैं फिर भी सनलाइट है, अभी समर की वजह से सनलाइट रहेगा। और मेरे मम्मी पापा मेरे पीछे जो काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि हमें कैसा यहाँ पे जो भी ट्यूब स्टेशन हम लोग लेते हैं तो वो ट्यूब स्टेशन पहुँचने के बाद अभी नियरली 10-15 मिनट का वॉक रहता है, हम लोग वो वॉक करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से जो स्टेशन पर ड्रॉप हुए वहाँ से ये बकिंघम पैलेस नियरली 15 मिनट का वॉक था। और अभी यहाँ से हम लोग जो कोच स्टेशन वापस जाना है बस स्टेशन के पास, वो भी थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। सो होप सो यहाँ पर बकिंघम पैलेस पाए हुए हैं, अभी सब कुछ बंद है, वैसे भी अंदर एंट्री है कुछ देखने के लिए, लेकिन अभी वो दिन में है कि नहीं है कि पता नहीं, मैंने सर्च भी नहीं किया, ये हम लोगों को प्लानिंग में था ही नहीं, लेकिन टाइम मिला तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सो लेट्स गो, अभी यहाँ से एंजॉय करके थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के फिर हम लोग जाएंगे सीधा यहाँ से, जो स्टेशन है हमारी बस है 9:30 के बाद, और अभी बजे के साथ हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो तब तक के लिए हम थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे।
सके ऐसे। यहाँ पे लगता है किसी साइकिलिंग वाले की कुछ रैली जैसा कुछ लग रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आके जमा हो चुके हैं। साइड से तो बहुत लोग आ रहे हैं, सब लोग साइकिल लेकर, खुद की साइकिल लेकर पता नहीं क्या यहाँ पे आ रहे हैं और किसके लिए आ रहे हैं क्या पता नहीं कुछ। यहाँ पे वापस विक्टोरिया कोर्ट स्टेशन बस स्टेशन है, वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी अभी बस आएगी, 440 नंबर की बस है, 9:30 बजे की बस है और अभी 9:15 यहाँ पे हो चुके हैं। तो बस हम लोग यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम लोग लेस्टर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी पूरे दिन के थक चुके हैं, पूरे इतना पूरा सुबह से कितना चलना हुआ तो सब थक चुके हैं। और अभी हम लोग 1 घंटे पहले यहाँ पे आ चुके थे और अभी हमें बस यहाँ पे बैठना पड़ा, थोड़ा वेट करना पड़ा। ये देखिए ये पूरा स्टेशन है, यहाँ पे तो कम से कम 18 या 22 के आसपास ये गेट है। और हम लोगों ने इंफॉर्मेशन में फिर पूछा तो पता चला कि लेस्टर की बस ये 14 नंबर पे आएगी यहाँ पे। अभी एक बस गई और अभी 14 नंबर की बस यहाँ पे आएगी। सो अभी ये गेट खुलेंगे और बस वैसे भी वहाँ पे बाहर की साइड पे आ चुकी है। बस अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा लेस्टर के लिए। तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी है 9:30 बजे का लेस्टर का 440 नेशनल एक्सप्रेस हमारी जो मैंने बुक किया हुआ था, वो ये वाली बस है और वो सामने शायद आपको दिख रही है वो लेस्टर, वो रही बस। तो वो उस बस में हमें जाना है कोर्ट स्टेशन, या विक्टोरिया कोर्ट स्टेशन काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम लोग नेशनल एक्सप्रेस की बस में अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि नेशनल एक्सप्रेस कोई भी बस में पीछे देखो यहाँ पे टॉयलेट है, वो देख सकते हैं वहाँ पे पीछे की साइड पे बस में टॉयलेट होता है यहाँ। सो लेट्स गो, अभी 9:30 बजे है, हम लोग 3 घंटे के आसपास आए वहाँ पे पहुँचे, 12 बजे के आसपास हम लोग लेस्टर टाउन में पहुँच जाएंगे। सो थोड़ा अभी आराम कर लेना और बस में कुछ देर के लिए सो जाता तो अच्छा है, वैसे भी 12 बजे पहुँच जाएगा उसके बाद भी जल्दी सोना ही। सो लेट्स गो, कल सीधे यहाँ से लेस्टर।